कैमरा थोड़ा डाउन करो भोलिया दीदी। तो ऑन करने का क्या मतलब है, फैन दिखाई देता हो तो ऑन करो चाहे ना करो। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे सर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे सर, आइटम मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहे हैं ना। तो आइटम क्या होता है सर, बता दिए अच्छे से समझा दिए। आइटम के अंदर कौन रहता है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन रहता है, ठीक सर। तो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है बाबू कहाँ होता है, आइटम के सेंटर में होता है। आइटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो गोला का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ना। केमिस्ट्री में क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस में कौन बैठा रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन है भोला, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। कैसे सर, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सन को बीच में लेते हैं ना बाबू, और बाबू अर्थ, अर्थ हो गया, मरकरी वगैरह सब क्या करता है, सन के चारों रोटेट करता है। तो उसी प्रकार बहु इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या पढ़ना है, अरेंजमेंट पढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन को बहु जैसे अरेंज करेंगे उसी का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब शांति से 20 मिनट सुनना, उसके बाद लिखना बगैना है ना बाबू, बाद में लिखना, पहले शांति से सुनो। तो आपको क्या बता रहे बाबू कि किसी भी आइटम को बाबू डिफरेंट डिफरेंट सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे है ना। तो 120 तक 130 तक हम लोग जान लेते हैं, 20 30 का है ना बाबू, 8 में रहते तो 20 तक, 9 में बोला 30 तक, समझा देते कुछ नहीं करना है ना, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बाबू उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अगर बाबू आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वही उसका वैलेंसी होगा। यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बाबू 5 6 7 8 आ रहा है तो वैलेंसी क्या निकालना, 8 में से घटा देना, ठीक। इतनी बात हमने प्रीवियस 2 क्लास में कह चुके हैं ना, प्रीवियस क्लास में इतने। तो उसी के बाबू कल हम लोग क्लोरीन तक देख लिए थे, रोशनी रोशन करो जी, कल हमने कहाँ पहुंच गए, क्लोरीन तक पहुंच गए थे। आज आर्गन है बाबू और आगे कंटिन्यू है ना। तो देखो वो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, लिखा है बाबू। 1 से 30 तक के सारे आइटम का, वो क्या कह रहा है निको, 1 से 30 तक के सारे आइटम का एटॉमिक नंबर लिखा दिए है ना। हाँ सर, तो अब जो जितना एटॉमिक नंबर होता है बाबू है ना, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। जितना किसी भी आइटम का एटॉमिक नंबर हो उतना ही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन बाबू वो यह ध्यान देना कि आइटम न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उस पर प्लस माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए है ना, ठीक। तो 18 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर, तो 18, अब 18 इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना है, कैसे भरोगे है ना। 18 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, भरना है। तो पहला वाला कौन सा सेल सर, के सेल, एल सेल, एम सेल, आगे वो और बढ़ेगा, एन सेल होगा, इसमें नहीं होगा भोला। तो पहला सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो। आपके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, सोचो कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो दो, पहला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। पहला सेल भर गया, पहला सेल में मैक्सिमम 2 ही गो रह ही सकता था, 18 में 2 गो तो यूज कर लिया, बचा 16 गो। तो सेकेंड सेल में मैक्सिमम कई गो रहेगा कृतिका, दूसरा सेल में मैक्सिमम, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दूसरा में 8 गो भर दो, 2 हो गया 2 4 हो गया, 2 6 हो गया 2 8 हो गया, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना जाएगा, तो आपके पास 18 है तो 2 8 10 हो गया, तो थर्ड सेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना जाएगा जी बाबू, 18 इलेक्ट्रॉन है ना जी। हाँ सर, तो 2 8 हो गया 10 हो गया, तो अगला में कई गो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 5 6 7 8, ठीक। अब यहाँ पे कहानी समझना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, उसके आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो सांड होगा। सांड मतलब समझते हो बाबू, किसी को उसको कोई मतलब नहीं, अपने आप में सांड रहेगा है ना, ठीक। मतलब क्या सर, वो बाबू किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, इसका क्या बाबू ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऐसे अपना वीडियो ऑन करो, ठीक, लव से ऑन करो जी। तो जिस जिस आइटम का आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और जिसका केमिस्ट्री में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। क्यों सर, क्योंकि कोई भी कंपाउंड वगैरह बाबू है ना केमिकल रिएक्शन में भाग, इसीलिए तो बोला कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। तो एक कर तो आर्गन का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन में 8, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भाग उग नहीं लगा, दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, इसी कारण भोला इसको क्या कहेंगे, एनर्ट गैस कहेंगे। तो के सेल में कई इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 गो, एल सेल में 8 गो, एम सेल में कितना, 8 गो है ना। हाँ सर, अरे के एल एम है ना जी, 8 गो। वैलेंसी कितना निकालोगे, तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, आउटर मोस्ट सेल में 5 से ज्यादा, 4 से ज्यादा है,
तो आठ में घटा देना, आठ माइनस आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, तो आउटरमोस्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बैलेंस कितना, जीरो। इसीलिए वो पीरियोडिक टेबल में लिखल था जीरो गुरु, क्योंकि इसकी बैलेंस कितनी होती है, जीरो होती है ना। हाँ सर, यहाँ सुझे इसको बीमारी शुरू हो गया सर, इसके गार्जियन इसके लिए वो वाईफाई लगाए हैं, सब सर लैपटॉप टाइम लाकर दे, टेबल देख रहा था सर, कल का कुछ नहीं पढ़ा था टाइम टेबल देख रहा था सर, कल का है ना। मैंने इतना देर से आपका भैया बीमारी शुरू होगा। नेक्स्ट पोटेशियम है, आप शांति से समझना 20 मिनट। 9 19 इलेक्ट्रॉन सर, पोटेशियम का कितना, 19। तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, दो गो, 19 गो है टोटल। फिर दूसरा सेल में कई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कृतिका मन से पढ़ना बाबू, दो दो चार, दो छो दो आठ, 8 2 10 हो गया। तीसरा सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, 19 है बोला तो तीसरा सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता, तो तीसरा सेल में 9 को भर जाएगा, दो दो चार, दो छो दो आठ, 1 9। शांति समझना, यही आप लोग बनाओगे ना जी। पहला सेल में 2 का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से भर गया, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 को भर गया सर, तो 8 2 10 जो बच गया 19 है, तो बच गया जो तीसरा सेल में जाएगा, है ना। सर। दो अभी आठ आठ एक नहीं होगा सर, सर अरे सर समझो ना, अभी यहाँ पे बाबू आपको समझना है, क्या समझना है सर, है ना। तीसरा सेल में भोला, शांति से समझना, यहाँ पे कुछ रूल ऐसी नहीं अपने मन से भर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया है ना, ठीक। अब यहाँ पे रूल है भोला, नीचे कॉन्सेप्ट लिखल है, क्या लिखल है सर, पहला सेल में मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बाबू अगर भोला, शांति समझना, ये थर्ड सेल हो गया, तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रह सकता, 18 इलेक्ट्रॉन, तो 9 तो इलेक्ट्रॉन हमारे अनुसार सर आप लोग के अनुसार आ जाएगा, ठीक सर। लेकिन रूल क्या करता है ना उसका भोले, शांति से सुनना, कि थर्ड सेल में बाबू 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा, थर्ड सेल में भोला 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जब आउटर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहे। यही ना आउटर मोस्ट सेल हो गया जी, इस केस के लिए आउटर मोस्ट सेल में, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है ना। आउटर मोस्ट सेल में भोला 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो इसमें आपने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यही यहाँ पे लिखा है, आउटर मोस्ट सेल बाबू ऑर्बिट बाबू कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बाबू आउटर मोस्ट सेल में 8 है सर। अब आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्यों सर, क्योंकि भोला इससे जो बाबू उसका एनर्जी लेवल क्या घट जाता है, कंपाउंड अनस्टेबल होता है, वो सब ज्यादा आगे जाके सीखोगे है ना, ठीक। तो यहाँ पे जो बाबू आउटर मोस्ट सेल यही होगा, तो इसमें आपने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये क्या गलत हो गया। तो इसके बाहर एक और सेल होगा सर, और जिसमें बाबू एक है ना आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते, ठीक। तो इसमें 8 भरेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें जाएगा, बात समझो। ये होता है कैल्शियम का आपका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर सकते, तभी भरेगा जब आउटर मोस्ट वाला में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक। तो ये 8 हो गया, ठीक। इसी बात को आगे भी कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना, तो बाबू के सेल में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर एन में कितना हो जाएगा, ई हो गया के सेल कृतिका, एम सेल हो गया भोली, एन सेल हो गया, और के ई एल सेल हो गया बाबू, ई एल सेल हो गया, ई एम सेल हो गया, और ई एन सेल हो गया, ठीक से। बैलेंसी कितना, तो आउटर मोस्ट में यही ना बाबू, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रह गए थे, एक को इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी इसका कितना होगा, 1 होगा, बैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। शांति से समझते चलना जी, मनीषा साहू बाबू ये है ना। नेक्स्ट भोला, यहाँ सुजीत ऑन करो ना जी, कहा है बीमारी पकड़ा हुआ है सुजीत, फोन तो है सर। हाँ बार बार खोलता हूँ, कैसे अपने ऑन करो। नेक्स्ट बाबू देखो बोला कैल्शियम, क्या बोला, कैल्शियम है, यदि तो बाबू ऑन करो, घर पहुंच गया ना जय देता, ऑन करो जी। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 20, तो कई गो इलेक्ट्रॉन, 20 गो। तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छो दो, 8 इलेक्ट्रॉन, अब 10 गो हो गया, टोटल 20 गो। तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन आपके अनुसार भोला,
आठ दो दस हो गया, तो 10 को तीसरा सेल में जाएगा, दो दो चार, दो छो, दो आठ और दो दस, आपके अनुसार तो यही जाएगा। शांति से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये गलत है ना? ठीक, क्यों गलत है? वो एनर्जी लेवल का कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है। तो आउटर सेल में भोला, यही ना आउटर सेल है, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, ठीक है ना? मन से समझना सिवेंदर, तो इसमें आपने कितना भरा? 10 इलेक्ट्रॉन भरा। ठीक, तो यहां से बाबू 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, है ना? इसके आउटर सेल में जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके अगला वाला सेल में। कहाँ जाएगा? इसके अगला वाला सेल में, मनीषा साहू, है ना? ठीक सर, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा मनीषा साहू? अगला वाला सेल में, है ना? ठीक, सही से आप लोग बनाना। ठीक सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल में यही इलेक्ट्रॉन है जी, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब के सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये पहला वाला कौन सा सेल होगा सर? के सेल होगा मनीषा साहू, फिर एल होगा, ई वाला के होगा, इसके नीचे वाला एल सेल होगा, एम सेल होगा, एन सेल होगा। वैलेंसी कितना बाबू? सर, 2 बोला। आउटर मोस्ट सेल मिनिमम 2 होना चाहिए। हाँ, अगला आ रहा है, 21 पे जा रहे हैं। आउटर सेल में बाबू अगला रूल वही कहता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता, अगला रूल वही कह रहा है। ठीक, आ रहा है, टेंशन मत लो। ये दोनों रूल आपको बाबू इसी दोनों रूल के अनुसार भरना, क्रोमियम में बाबू और कॉपर में थोड़ा सा याद रखना, है ना? उसके लिए आपको SPDF सीखना पड़ेगा। क्या करा? आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भर सकते, है ना? आउटर मोस्ट सेल हाउ इट हैव कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अगर बाबू इसको आउटर सेल मानता बाबू, तो इसमें 10 आ रहा था, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अब स्कैंडियम पे आओ, 21 पे आओ। ठीक, कितना बाबू मनीषा साहू, समझते चलना जी। ठीक, यशोराज ऑन करो जी, स्वराज बाबू ऑन कीजिए, आदित्य बाबू ऑन करो जी, सब ऑन करो। स्कैंडियम पे सीखो, कई गो टोटल इलेक्ट्रॉन है सर? 21 गो है। तो पहला सेल में कई गो भरोगे सर मनीषा साहू? 2 गो। ठीक सर, पहला सेल में 2 गो, 2 गो इलेक्ट्रॉन है सर, तो 2 गो भरेंगे। दूसरा सेल में 8 गो, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तीसरा सेल में मैक्सिमम कै गो भरोगे? 2, 10 गो यूज हो गया। तो मन कर रहा सर तीसरा में हम लोग कितना भर, 10 गो यूज हो गए थे, 11 गो। अरे शैतान, 21 में 10 यूज कर लिया, तो तीसरा में 11 गो भर दो कि नहीं? लेकिन लाओ आउटर मोस्ट सेल में भोला, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। आउटर मोस्ट में कितना बाबू? मान लो तीसरा में 11 करोगे बाबू मेरे, तीसरा सेल में 10 हुआ ना जी, तो तीसरा में कई गो भरोगे? 11 गो, 1 गो, 2 गो, 2 4 गो, 2 6 गो, 2 8 गो, 2 10 गो, 1 11 गो, है ना सर? तो ये क्या करता है, इस रूल को वायलेट कर देता है ना बाबू, कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ सबसे बाहर वाला कक्षा यही ना है जी, तो इसमें आपने कितना कर दिया? 11 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो रूल का वायलेट हो गया। आपको बाबू इलेक्ट्रॉन भरने का रूल होता है, तो रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 + 1 बाबू 2 है, जैसे मैथमेटिक्स को सोल्व करने का रूल तरीका है ना बोला, उसी तरह से यहाँ भी है। तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आपने 11 को कर दिया तो गलत हो गया। तो क्या बाबू, यहाँ से बाबू जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझने वाला है। आउटर मोस्ट सेल में बाबू, है ना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे समझना बोला, 3 वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बोला? अगला सेल में डालोगे। अब समझो, 8 से ज्यादा नहीं रह सकता सर, तो 3 वो अगला सेल में डालेंगे, समझना। यहाँ पे 1 2 3, तो अगला रूल क्या कहता है भोला? अगला रूल यही कहता बाबू, इलेक्ट्रॉन बाबू इन द आउटर मोस्ट सेल बाबू मोर देन बाबू टू, है ना? आउटर मोस्ट सेल बाबू मोर देन बाबू 2 इलेक्ट्रॉन ओनली भेन बाबू, भेन इनर सेल इज कम्प्लीटली फिल, है ना? कह रहा बाबू आउटर मोस्ट सेल में आपने कितना कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होगा बाबू जब अंदर वाला ऑर्बिटल क्या होगा, पूरा तरह से भरल होगा।
तो ये थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तभी इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालना। बात समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या कह रहा है भोला? ए आदित्य बाबू, का है वीडियो बंद? फिर इसके पापा जी को फोन करना पड़ेगा जी। देखो रूल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाला सेल में बाबू, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा भोला, जब उसके अंदर वाला जो सेल है वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। कंप्लीटली फिल कहने का मतलब क्या बाबू, आपने आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया ना, तो इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी डालोगे भोला, 3 इलेक्ट्रॉन तभी डालो जब इसके अंदर वाला भरल रहेगा पूरा। तो एक अंदर वाला पूरा नहीं ना भरल है स्वराज भोला, इसमें कई को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है थर्ड सेल में? 18 को। अभी आपने क्या किया, 8 को हुआ, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो कई को आएगा सर? तो इसमें बाबू दुइये इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दुइये इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। बात समझो, हम बाबू आउटर मोस्ट सेल में बाबू 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना भोला? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरोगे जब अंदर वाला भरल पूरल रहेगा, तो अंदर वाला 18 इलेक्ट्रॉन भरेगा। अभी अंदर में कितना है, 8 है, तो 1 वाला इसमें यूज करो। मतलब क्या बाबू, के सेल में कई इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर बाबू 2 8, आई 8 2 10, 9 गो, और एन सेल में कितना, 2। तो वैलेंसी कितना होगा, इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में है 2 है, तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। लिखो भला, आगे उसको ड्रा करते हैं सीधा, इतना लिखो, इरेज करके ड्रा करते हैं, नहीं तो हौच पोच हो जाएगा। लिखो जल्दी जी, कैमरा डाउन करो दीप बाबू। तो ये बाबू आपको तरीका याद रहना है, 24 बाबू और 29 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी में कोई ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। जल्दी लिखिए, बिंदी डालो बाबू। चौबीस और 29 भोला, कॉपर का जो बाबू है ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब यही सी रूल पे है। आउटर सेल में बाबू मेरे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे, ठीक है ना? बिल्कुल जी, काला चाह रहे जी, आप क्या किया सर? कौन है जी? सुनने है, इन्हें घुसा हुआ है। मोबाइल से कर रहा जी, लैपटॉप से कर रहा जी? मोबाइल ऐसे लैपटॉप में चार्ज नहीं है। अच्छा इसीलिए वो वीडियो बंद चालू करने में लगा है। जल्दी देखो जी, लिख लिया स्वराज? यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। लिखा सिविंदर, लिख ली बाबू? ए बाबू मनीषा साहू, लिखी जी मनीषा? सर लिख लिए। वेरी गुड। देखो बाबू, टाइटेनियम 22 में कौन है सर? टाइटेनियम है, ठीक। तो वैलेंसी वगैरह याद रखना थर भोला, अभी यूज हम इसको करेंगे, मोलकुलर फॉर्मूला बताएंगे इसके जस्ट बाद बाबू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देंगे, ताकि बाबू टॉपिक को रिलेट करने में आसान रहे आपको। कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला वगैरह लिखोगे, अलग अलग बताइए देंगे, है ना? नेक्स्ट बाबू,
आगे की कहानी सुनो। रूलो मिटा दे चुप। टाइटेनियम कौन सा? टाइटेनियम है ना। तो देखो टाइटेनियम बाबू कहता है एटॉमिक नंबर 22, 22 वो इलेक्ट्रॉन है। तो ए को क्या दोगे? यह फर्स्ट सेल हो गया सर, यह सेकेंड सेल हो गया। पहले शांति से समझो, तो टाइटेनियम के पास 22 इलेक्ट्रॉन, तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन? दो गो। दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन सर? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दो दो चार, दो छ, दो आठ, 10 गो ने यूज किए जी। हाँ सर, 22 गो है तो 12 गो और बच गया। तो 12 गो में बाबू शांति से समझना, थर्ड सेल आएगा। कौन आएगा बाबू? थर्ड सेल आएगा भोला मेरा। तो यार मैं 12 को भर देगा, दो दो चार अठारह, दो छो भोला, आ दो आठ, आ दो दस, आ दो बारह, दो दो चार, दो छो, दो आठ, दो दस, बारह। गलत है। क्यों सर? इसलिए भोला कि अगर आप 12 भर दे बाबू तो रूल मेरा क्या कहता कि आउटर मोस्ट सेल हो गया। ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में बाबू 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, क्योंकि एनर्जी लेवल गड़बड़ आ जाता है ना, स्टेबिलिटी वगैरह गड़बड़ हो जाता। ठीक, तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आपने कई को भर दिया? 12 को भर दिया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां जाओगे? ये आउटर मोस्ट सेल ना भैया जी, इसके बाद और भी सेल होगा है ना। हाँ सर। तो अब आउटर मोस्ट सेल में बाबू यहां से बाबू कई इलेक्ट्रॉन? 12 को है तो 4 को यहां निकालोगे। शांति से समझना। ठीक, तो 4 को निकालेगा तो यहाँ 4 को घटाएगा, एगो दो गो तीन गो चार गो घटा दिए। शांति समझना है ना। ठीक सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। अब बाबू अगला रूल क्या कहता बाबू कि ये आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में भोला है ना, ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है। तो अगला रूल क्या कहता कि आउटर मोस्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। आउटर कंफ्यूजन नहीं पालना, प्रीवियस केस में बाबू ये आउटर मोस्ट सेल था, तो कह रहा बाबू कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। तो कहाँ डालेंगे? यहाँ से 8 से ज्यादा हो रहा था, इसमें डालेंगे। अब इसमें कह रहा बाबू कि आउटर मोस्ट सेल में बाबू है ना बाबू 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रखोगे। यहाँ पे बाबू आपने 4 इलेक्ट्रॉन रखा, 4 को रखा ना जी। तो रूल ये कहता था कि इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रखोगे जब एकर पीछे वाला पूरा भरल पूरल रहे है ना। इसका जो पीछे वाला ऑर्बिट है सेल है, ये भरल रहे। तो ये कै गो इलेक्ट्रॉन में भरेगा? 18 गो। अभी पास 8 गो ने बोला, तो आपने इसमें क्या किया? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है ना। तो ये 2 से ज्यादा तभी रखेगा भोला जब एकर पीछे वाला भर जाएगा। तभी पीछे वाला भरा है, पीछे वाला भरने के लिए 18 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कई गो? 18 गो है ना। तो इसीलिए बाबू इसमें कई इलेक्ट्रॉन डालेगा? 2 ये इलेक्ट्रॉन डालेगा। आउटर मोस्ट सेल वाला में कई गो डालेगा? 2 गो डालेगा। ठीक ठीक सर, तो 2 गो डालेगा, तो 2 निकाल के फिर कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा है ना। ठीक सर, तो अब आउटर मोस्ट सेल में क्या हो गया? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। इसमें 2 से ज्यादा तभी करेंगे बाबू जब पीछे वाला पूरा भर देंगे। तब पीछे वाला में कितना हो गया? 10 गो है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी पीछे अभी अभी इसमें नहीं भरेंगे, अभी इसमें नहीं भरेंगे, अभी इसमें भरेंगे। फिर क्रोमियम बाबू और कॉपर में थोड़ा सा उल्टा होता है ना। तो ये कितना हो गया बाबू? इसका टाइटेनियम का लिखेगा तो के सेल में कई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में 8 और एम में कितना? 10 और एन में 2। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 ये इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। वैलेंसी कितना होगा भोला? 2 होगा है ना। नेक्स्ट बाबू आगे समझो, वैनेडियम का देखो है ना, वैनेडियम का देखो बाबू है ना, वैनेडियम का दिखाते हैं। तो वैनेडियम में क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं करेंगे भोला। वैनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जी? ये कौन सा सेल हो गया बाबू? के सेल हो गया। ये आपका के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो अभी वैनेडियम का 23 है, वैनेडियम का कितना एटॉमिक नंबर? 23 है। तो 23 गो इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन में कहाँ डालेगा? कहाँ डालेगा थर? एगो इलेक्ट्रॉन में कौन से सेल में? के एल एम एन क्रम में डालेगा जी, क्रम डालेगा मनीषा साहब। एम सेल में, एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा मनीषा साहब? एम सेल में सर। बोली एक एकर 22 का ये है ना, 23 है। तो 23 है एटॉमिक नंबर वैनेडियम का। बोली
वैनेडियम का एक इलेक्ट्रॉन में कहाँ डालेगा मनीषा साहब? अंशु कुछ अनुष्का सर एम में। एन में बोली कहाँ डाले बाबू? कृतिका, एक कृतिका बोली, एक यस सर। इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ डालेंगे? वैनेडियम में कैगो ना ज्यादा जीते, एगो इलेक्ट्रॉन में कहाँ डालोगे? पहले तो पहले वाले में वाला बोला बहुत तेज है जी, पहले यो तो पहले वाला है, कौन है के वाला में? के या फिर एल में। सर मैंने कुछो कुछो एरा मैंने तो ओरा में हद करती हो जी, एम में होगा। एम में ना होगा बाबू, बाहर सेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इसमें दो से ज्यादा तभी भरोगे जब अंदर वाला पूरा भर जाएगा, तभी अंदर वाला नहीं भरा, अभी 10 सेकंड हुआ जी, तभी इसी में भरना है, तभी तेज है तो अभी एक इलेक्ट्रॉन इसी में भरेंगे, एरे में भरेंगे, एमए वाला में भरेंगे ना, एरा में दो से ज्यादा नहीं भरेंगे, दो से ज्यादा तभी भरेंगे जब अंदर वाला पूरा भर जाएगा, तभी नहीं ना पूरा भरा, एरा भरे लगे 18 गो चाहे कृतिका है ना, तभी तो 10 गो पूरा तभी इसी में डालो। मतलब क्या सर, वैनेडियम का कैसे ड्रा करो बाबू? पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कृतिका, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8, फिर तीसरा सेल में ये हो गया के सेल, एल सेल, एम सेल, 8 2 10, और लास्ट वाला में 2 ही गो रहेगा तो 12 हो गया, तो इसमें आपको 11 गो करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 11, और लास्ट वाला में 2 गो बचेगा, तो वैनेडियम का हो गया। क्या हो गया बोली मनीषा साहब? वैनेडियम हो गया। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ई हो गया 11, और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितना? 2, वैलेंसी कितना? 2। लिखो समझाते हैं, क्रोमियम में बाबू एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या बाबू? उसका SpDF पे निकलेगा क्रोमियम का, क्रोमियम और कॉपर में बाबू आपका थोड़ा सा सोचना है, SpDF पे उस पे निकलता है, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो जी नेक्स्ट बाबू बाबू, काय के काम अंशका नहीं पड़ती बोली, कुछो कुछो करो में भर दोगी जी, एबी टू वीडियो ऑन करो, सही तांड। नेक्स्ट वाला क्रोमियम, अब आपके अनुसार क्रोमियम में 24 है, क्रोमियम में 24 है बाबू, तो क्या होना चाहिए बोलो, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाओगे? क्रोमियम में 24 है बोला तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ाओगे जी? एम। एमए में बढ़ाएंगे सर, अभी अगर आपको नहीं कुछ बेसिक क्लियर है तो जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उसके अनुसार एरे में एमए में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसको भरते जाएंगे भरते जाएंगे, एम वाले को भरते जाएंगे, जब भर भर के 18 हो जाएगा, यही एम सेल भर भर के 18 हो जाएगा तो फिर इसको बढ़ा भरेंगे, तो भी 18 नहीं ना पूरा भोला, ठीक? तो क्रोमियम का बाबू लिखो इसको, है ना, कुछ नहीं करेंगे बाबू, है ना, ठीक सर। क्रोमियम में हम लोग क्या करेंगे शिवेंद्र भोला? क्रोमियम में बाबू हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के अनुसार जो कंसेप्ट सिखाएगा बोला ऐसे करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, है ना, ठीक? तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे बोला तो इसको लिख के काट दो, ठीक? क्यों सर? यहाँ पे बोला जब आपको SpDF बताएंगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो वहां पे बोला ऑर्बिटल का कंसेप्ट होता थोड़ा सा क्रोमियम में, और आपका बाबू कॉपर में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अब इसका लॉजिक बोला आपको कारण पता चलेगा जब ऐसा का बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, पढ़ा बाबू अथर बोला 3p6,
सब ऑर्बिटल में भोला एसपी डीएफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे ला भरा, वहीं से बाबू इसका आपको कारण पता चलेगा। तो क्रोमियम को लिख के काट दो, इसका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भोला? एरा में बाबू आपका बाबू अभी 12 है ना जी? हाँ सर। तो ए लास्ट वाला में एक के इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या करेंगे? एक के इलेक्ट्रॉन करेंगे है ना, ठीक। नेक्स्ट, तो इसको लिख के क्या करो, काटो थोड़ा सा ताकि आपको ध्यान रहे। इसका करेक्ट, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया इसका बोली? नमस्ते सर, नमस्ते सर। थोड़ा सा इसका जो सिलेबस आपका ब्लर दिख रहा है सर। सर आप म्यूट हैं। कर लेगी। अच्छा, तो एक आध अभी एक दो दिन में इसको एंगल खत्म करेंगे, बाकी इसको बताएंगे, ऐसा बात नहीं है ना। छूट गया तो वो तो पहले ही कह रहे थे सर, थोड़ा सा क्लास छूटने में नहीं, दिक्कत है। हाँ वो तो है लेकिन एग्जाम में तो छोड़ना ही पड़ेगा सर, ये तो कंपलसरी है, एग्जाम थोड़ी छोड़ सकते हैं। नहीं सर, एग्जाम कैसे छोड़िए। अच्छा ठीक है, देखते हैं सर, देखते हैं, कोई दिक्कत की बात। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ ये क्या गलत है, क्या बोला? गलत है ना। तो करेक्ट क्या होगा सर? क्रोमियम में बाबू आपको ध्यान रखना, आउटर सेल में बाबू एक के इलेक्ट्रॉन डालेंगे, आउटर सेल में कितना डालेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्यों सर? क्योंकि बाबू इसका आगे आपको एसपी डीएफ वाला बताएंगे ना बाबू, सब ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन उछाल के भोला आपका पी और डी में जाता है ना, ठीक। तो वो बताएंगे, अभी क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो पहला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन भोला, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छो और दो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तीसरा सेल में कई गो सर? 10 गो हो गया हमारे पास, क्रोमियम का 24 है, क्रोमियम कितना 24 है ना, तो 2 8 10 हो गया, ठीक। इसमें 13 गो भरेंगे, कई गो भरेंगे, 13 गो भरेंगे, दो दो चार, दो छो, दो 8, दो 10, दो 12, एक 13, 23 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा स्टेबिलिटी के कारण। इसका एसपीडीए वाला बताएंगे ना, तब होगा। तो ऐसे भरते हो तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट भोला आगे लिखो, तो इसको लिखो क्रोमियम बाबू, ये लिख के काट लो, ये रॉन्ग वाला है और ये सही वाला है। तो जगह नहीं है सर। बैलेंस, अरे शैतान, क्रोमियम के नीचे कौन सा जगह नहीं, कुटिया देंगे पकड़ के। क्रोमियम के नीचे कुछ लिखा है जी? बैलेंस ही कितना सर? 1। क्रोमियम के नीचे थोड़ी कुछ लिखा है जी, पता जगह नहीं लिख है ना। आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है बोला, तो वैलेंसी कितना? 1। आगे बाबू, मैंगनीज कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर इसका? कॉन्फ़िगरेशन बाबू ऐसे का देखो ना यहाँ पे के, हाँ बाबू, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 13 इलेक्ट्रॉन और एन में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक सर। नेक्स्ट बोला मैग्नीज, मैग्नीज बोला जल्दी लिखे जी। नेक्स्ट मैग्नीज बाबू, 25 नंबर मैग्नीज, कौन सा मैग्नीज अब समझना। मैग्नीज 25 नंबर कौन सा बाबू? मैग्नीज, मैंगनीज होता है, GANES से सैम्बुल MN होता है,
एटॉमिक नंबर 25 होता है, कितना होता है मनीषा साहू? 25 होता है। वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा कृतिका? 25 गो। कई गो इलेक्ट्रॉन्स होगा बोले? 25 गो, है ना। कौन कौन सा सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू, ये आपको लिखना है। के सेल, एल सेल, एम सेल। वैलेंसी कितना होगा बोलिए? देखो तो 25 इलेक्ट्रॉन है बोला, तो ये 24 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन है। ये किसका? 24 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन है ना सर? हाँ सर, ये 24 इलेक्ट्रॉन तक भरल है ना जी? हाँ सर, काउंट करो ना, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? तो एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोला आपको कहाँ भरना पड़ेगा? आउटर मोस्ट सेल में, है ना। आउटर मोस्ट सेल में दो से ज्यादा नहीं भरेंगे, तो पहले इसमें दो इलेक्ट्रॉन पूरा करो। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? ये तो उतना है ही, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दोगे। तो ये जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा बाबू, किसका हो जाएगा? मैग्नीज का हो जाएगा। सेम कन्फिग्रेशन बोला, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दो। तो इसका के सेल में क्या इलेक्ट्रॉन? दो, 8, 13, 2, यही होगा ना। हाँ सर। वैलेंसी कितना होगा कृतिका? दो हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, है ना। तो यह आपका हो गया मैग्नीज का। किसका हो गया? मैग्नीज का, है ना। हाँ सर, ठीक ठीक बोला। मैग्नीज के बाद बाबू 26 में कौन है बोला? कौन है 26 में जी? यथा, 26 में आयरन कौन है जी? आयरन आयरन, आयरन है। 26 में कौन है? आयरन का Fe होता है। एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर सर 26, एटॉमिक नंबर 26 कृतिका, है ना। ठीक सर। अब बाबू सेल वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा 26 गो, 26 गो इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना बाबू। इधर थोड़ा बाबू 20 वाला से, बाबू 20 के बाद से बाबू थोड़ा सा सोचना पड़ता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। 26 इलेक्ट्रॉन सेल केरा में कई गो रहेगा सर? के सेल, एल सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? अब वैलेंसी कितना होगा? तो अब सोचो, ये बाबू मैग्नीज का बाबू 25 है, अब 26वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा बोले बाबू कृतिका? 26वां इलेक्ट्रॉन ई के सेल है बोली, ई एल सेल, एम सेल, एन सेल। 26वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, कौन से सेल में भरेगा बोले बाबू कृतिका? केरो में भर दीजिए ना सर, हम रखे मतलब है। 26वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगी बोली? कहाँ सर भरेगा निकू? 26वां इलेक्ट्रॉन भरना, 25 को भरल है बाबू, 25 इलेक्ट्रॉन भरना नहीं कुछ, 26वां कहाँ भरेगा? अरे 26वां कहाँ भरेगा जी, जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी, कहाँ भरेगा नहीं को? लास्ट में सर, केरा में लास्ट एन सेल है जी, करम भरेगा? एन, एल में भरेगा, एम में भरेगा, एन में भरेगा, करम भरेगा? एन में सर, एन में। अरे मेरे शैतान, करम भरेगा बाबू से, जल बोलो बाबू। अरे लास्ट 26 है ना जी, 25 को भर दिए सर, 26वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? के में होगा 2, एल में 8, एम में 14 और एन में 2। देखो बाबू भोला मेरा, है ना, 25 कितना, 25 इलेक्ट्रॉन है सर। अब 26वां इलेक्ट्रॉन बाबू अगर एन में डालते हो भोला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हो कृतिका भोली, तो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आउटर हिसाब से बाहर वाला सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे ना जब अंदर वाला भरल रहेगा, पूरा भरल पूरल रहेगा, है ना। तो बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन तभी रखोगे जब अंदर वाला भरेगा, अंदर वाला भी पूरा नहीं भरा। अभी इसमें बाबू 18 को चाहिए भरने के लिए, तभी 14 गो ना है जी। ये टोटल काउंट करोगे कितना होगा, है ना, 13 गो होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 गो है पास। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर के कहाँ भरेंगे? एम में भरेंगे। कहाँ भरेंगे? एम में, है ना। हाँ सर। तो अब इसका जो कन्फिग्रेशन होगा भोला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 होगा, और ये 2 होगा, और 2 10 से सर 14 से 26। वैलेंसी कितना होगा आयरन का? 2 होगा। वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, ठीक। इसी प्रकार बोला आपका कौन आएगा, लिखो जी, ड्रा करो जी। ये हो गया आपका आयरन का, ये आयरन का है, ठीक। कॉपर में थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट बाबू कोबाल्ट निकेल, 27 नंबर बोला, 27 नंबर कौन है? कोबाल्ट है। 27 नंबर कौन है बोला? कोबाल्ट है।
कौन ऐसा आता है इसमें? कोबाल्ट है, सीओ होता। कल आपको मोलकुलर फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। 28 में कौन है बाबू? कोबाल्ट है, निकेल है, NI है, कॉपर है बाबू। 29 में कॉपर है ना, तो कॉपर का थोड़ा सा अलग है, जैसे क्रोमियम 24 में है ना, क्रोमियम बोला उसी तरह से बोला, कॉपर वाला है तो इसको स्टार दे दो। 30 में आपका जिंक है, 30 में कौन है? जिंक है, ZN हो गया, कॉपर का CU हो गया, है ना? ठीक भोला मेरा, जल्दी लिखो। किसका किसका कल वाला होमवर्क नहीं आया था? जी सब शैतान है डेली बाबू, बना के 3 को क्वेश्चन दिया था फिर भी ये सब नहीं भेजता। भेजा था सर आज, सर मैंने कल तो वाला भेजा, पूछा बना भेजा दे बाबू कल वाला जी। नहीं आदित्य कल वाला भेजा। भेजा था 3 को बनाने लग दिया था जो जी, नहीं भेजा। ओके पापा को फोन करना पड़ेगा, ये नहीं भेजा आदित्य कल वाला बाबू। ये बाबू 3 वो बता नहीं बनाइएगा आप लोग, करता कोशिश करना ये चारों बनाना, फिर हम बताएंगे कल, हम आपको कॉपर का बताएंगे, है ना? ये 3 को बनाना, जैसे इसी में नंबर ऑफ अंदर वाला इलेक्ट्रॉन में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। बाहर वाला में 2 से ज्यादा नहीं करना, बाहर वाला में 2 से ज्यादा मत करना, ठीक है ना? इसे एम सेल में बढ़ते जाओ, उसी तरह से करना अपना बैलेंसी वगैरह लिखना। तो ये 3 को आपका DI, कल आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताएंगे लिखने लगे, टाइम बचेगा तो। जाओ जी भोला। जाओ। भाई से बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय बाय।